आंखों की दो बूंदों से वो समंदर भी हारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे होंगे। 26 जुलाई 1999 यानी आज ही के दिन भारत ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को पटकनी दी थी। भारत आज के दिन वीर जवानों के द्वारा दी गई शहादत को याद करता है। आइए अब इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। कारगिल की जंग 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिनों तक चली। पाकिस्तानी घुसपैठियों को हमारे वीर जवानों ने उनकी औकात दिखा दी। अब आपको बताते हैं कारगिल युद्ध की कहानी। कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। 3 मई साल 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में ऊंची पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान ने 5,000 सैनिकों के साथ चोरों की तरह घुसपैठ करके वहां पर कब्जा जमा लिया। इस बात की खबर जब भारत सरकार को मिली तो भारत सरकार ने अपने शूरवीर सिपाहियों के साथ मिलकर ऑपरेशन विजय चलाया और पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाकर 26 जुलाई 1999 को कारगिल से मार भगाया और युद्ध में जीत हासिल की। तब से लेकर अब तक आज तक इस दिन को पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताते चले कि ये युद्ध करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ा गया था। ये युद्ध लगभग 2 महीने तक चला था जिसमें भारतीय सेनाओं के योद्धाओं ने बड़े ही साहस और पराक्रम के साथ युद्ध कर कश्मीरी उग्रवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। वो दिन जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया, वो शाही हमारे बलिदानों के रक्त की थी। इसी गौरवशाली अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, हम LOC पार कर सकते थे, कर सकते हैं और अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से पार करेंगे। इसी कारगिल विजय दिवस पर हम हमारे सभी शहीद जवानों को नमन करते हैं। जय हिंद।